सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि 5 जुलाई 2020 को सीटेट का एग्जाम होगा, तो उसके जो सीडीपी का पार्ट है, सीडीपी का कहें या हर पोर्शन में जो आता है, हिंदी इंग्लिश में भी वो आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो पेडागोजी हिंदी जो लेंगे, फर्स्ट पंजाबी हुई, संस्कृत हुई, इस बार संस्कृत में आया था, ठीक है ना, दिसंबर वाले में, तो संस्कृत हुई, पंजाबी हुई, इंग्लिश हुई, कोई सी भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं। सीडीपी का जो भाग होता है बाल विकास, जिसे शिक्षा साथ कहते हैं, उसमें भी उन मनोविज्ञान के से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आज उनके सिद्धांत को हम इस तरह से करेंगे कि जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, कैसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना, किस तरह से भी पूछ लिया जाए। तो जैसे कि मैंने पहले वाइगोट्स्की करा दिया है ना, तो वाइगोट्स्की का जो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा सकता, जो आज तक आया हुआ है टेट और उसमें सीटेट में। तो आज मैंने उसी तरह से जो नॉम चॉम्स्की, जो हमारे मनोविज्ञानक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने पूरा निचोड़ निकाला है, कोशिश करी है कि जो अब तक क्वेश्चन किस तरह से आए, ठीक है ना, हिंदी में बनाई है मैंने, इंग्लिश में भी बना दूंगा इसके बाद में वीडियो इसी पे, यानी एक नॉम चॉम्स्की हिंदी में होंगे तो नॉम चॉम्स्की की इंग्लिश में भी मैं बनाऊंगा आपको, जिससे कि दोनों बाइलिंगुअल हो जाए, अगर इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखो, मैंने यहाँ ऊपर पहले बोर्ड पे लिख रखा है जो मेरी जीमेल आईडी है, आपको कोई भी क्वेरी चाहिए या नोट चाहिए तो आप learningstudiochandigarh@gmail.com, स्पेशली संस्कृत के लिए मैं ये मेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9457860631। आपको टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम से लेकर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी, आप मुझसे पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर, बेफिक्र होकर, मैं आपके दोस्त की तरह ही हूँ, ठीक है ना, मुझे ही स्टूडेंट समझो, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ये समझो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नॉम जो चॉम्स्की थे, उनका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था एब्राहम, पहले तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, नॉम चॉम्स्की, देखो जहां मैंने तो ऐसे बता रखा है या मैंने खुद याद किया था, जहां भाषा आ जाएगी, भाषा, तो हम वहां नॉम चॉम्स्की लगा देंगे, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने ही क्या कहा था कि बच्चे में भाषा जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। और बच्चे के मस्तिष्क में, यानी ये हमारा सिर है, कहने का मतलब, इसमें एक लैड होता है, डिवाइस होता है, ठीक है ना, भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बात करी थी, और उन्होंने क्या कहा था, जो नॉम चॉम्स्की थे, इन्होंने यूनिवर्सल, यानी जो लैंग्वेज थी, इस पे भी बात करी थी, यूनिवर्सल वाले पे भी। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक चीज और कही थी, बच्चा जो है ना अनुकरण करके सीखता है, ठीक है ना। देखो, अगर ये बात आती है कि भाषा के जनक कौन थे, तो चॉम्स्की नहीं है जनक, डी मोसले करके हैं जो जनक, डी मोसले के अंदर इन्होंने काम किया था एब्राहम नॉम चॉम्स्की ने, जो यूएसए के, पूछ लिया जाता है कि कहां के हैं नॉम चॉम्स्की, यूएसए के। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है ना, फिर देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन निकालेंगे कि हाँ, कि इस तरह से क्वेश्चन होना, इस तरह एक क्वेश्चन आएगा हमारा कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, नॉम चॉम्स्की ने, किसने दिया, नॉम चॉम्स्की ने। ये रहा पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई, ठीक। उसके बाद भाषा जन्मजात होती है, ये किसने कहा है, एब्राहम नॉम चॉम्स्की, यानी नॉम चॉम्स्की ने कहा है। उसके शब्दों का सीमित सेट, बहुत ही जो नेट जीआरएफ में क्वेश्चन आया था 2019 वाले में, कि जो शब्दों का सीमित सेट होता है, यानी शब्द होते हैं उनका सीमित सेट हो, यानी गिने चुने हो, अगर 20 सेट, यानी कोई भी सेट हो, 20 शब्द समझ लो, तो उसे का क्या कहा गया है, लेक्सिकॉन, ठीक है ना, लेक्सिकॉन, याद कर लीजिए, लेक्सिकॉन। जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं ना, बॉक्स में भरे रहते हैं, देखा है पॉपकॉर्न, जब आप मूवी देखने गए होंगे तो बहुत सारे पॉपकॉर्न होते हैं, इसी तरह सेट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का सीमित सेट, ठीक है ना, शब्दों का सीमित सेट को लेक्सिकॉन कहते हैं। लेक्सिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे सुपर टेट के लिए या केवीएस के लिए, सुपर टेट और केवीएस के लिए, ठीक है, ये लेक्सिकॉन।
लेड, ये पूछा जाता है कि लेड किसने दिया है, लेड दिया है चॉम्स्की ने, चॉम्स्की ने या तो क्या क्या दिया वो लिखा रहते हैं, चौर ऑप्शन में ये भी लिखा होगा कि लेड, ठीक है ना। तो लेड की दोनों तरह से आ जाता है, कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना। जो लेड की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो इसका सर्वप्रथम जिस पे बात करी गई थी लेड पे, वो कब करी गई थी, 1960 यानी 1960 में, कब करी गई थी 1960 में। अब एक और चीज पता होनी चाहिए हमें कि जो लेड है ना ये मस्तिष्क में होता है, क्या होता है मस्तिष्क में, सिर में होता है, ये हमारे हेड में होता है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज है ना, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि भाषा की संरचना, जो भाषा की संरचना है जो दो दो स्टेज में बांटी गई, दो भागों में बांटी गई, ठीक है ना। भाषा की संरचना कितने भागों में बांटी, किसने, चॉम्स्की ने बांटी। तो एक थी सतही संरचना जिसे सुपरफिशियल कहते हैं, और एक है गहरी संरचना जिसे डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। पूछ लिया जाता है गहरी संरचना और सतही संरचना किसने दी, तो ये चॉम्स्की ने दी। अब पूछ लिया जाता है कि सुपरफिशियल संरचना के क्वेश्चन आएगा कि एक छात्र व्याकरण का यूज नहीं करता है, ग्रामर का यूज नहीं करता है, जैसे कि मैं जाता हूं, ये क्वेश्चन ये बोल दिया उसने, तो लिखा हुआ किसने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है, वाइगोट्स्की ने कहा है, ठीक, पियाजे ने कहा है, स्किनर ने कहा है, तो ये किसने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है, ठीक है ना। इस सतही संरचना पे उन्होंने सुपरफिशियल पे दिया था कि जिसमें छात्र व्याकरण का यूज ना करे वो होती है हमारी सतही संरचना। गहरी, जैसे जैसे छात्र की या बालक की एज बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, उसी तरह से हम गहरी अपनी संरचना ग्रामर का यूज करने लगते हैं, मैं जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, इस तरह से जब यूज करने लगते हैं वो इंग्लिश में डीप स्ट्रक्चर कहते हैं, हिंदी में गहरी संरचना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गहरी संरचना। ये चीज क्लियर हुई आपके। उसके बाद क्या होता है, जैविक सिद्धांत, ये पूछा गया है, बहुत कम पता होगा कि जैविक सिद्धांत किसने दिया, इसमें काफी कंफ्यूजन है। तो जैविक सिद्धांत किसने दिया, ये चॉम्स्की जी ने दिया है, किसने दिया, चॉम्स्की, जो मनोविज्ञानी है यूएसए के, उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या होता है, और चीजें कहां से आती हैं, जो हमारा सार्वभौमिक व्याकरण, ये पूछा गया है, सार्वभौमिक व्याकरण जिसे जनरेटिव ग्रामर, ये किसने दिया, ये चॉम्स्की ने दी है, यानी सार्वभौमिक ग्रामर या जिसे कहते हैं जनरेटिव ग्रामर, किसने दी है, चॉम्स्की जी ने। और दूसरा एक और पॉइंट बना, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर, किसने, किस पे, इन पे, इन तथ्यों पर किसने बात करी, इन परिभाषा पे, ये चॉम्स्की ने बात करी, यानी यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर, यानी इस पे किसने बात की है, चॉम्स्की जी ने बात की है, इसे सार्वभौमिक व्याकरण या ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल पूछा गया है सीटेट में, ठीक है ना, एसटेट में आया था यूनिवर्सल ग्रामर, तो ये किन्होंने दी है, तो ये हमारे चॉम्स्की जी ने दी है। तो याद हो गया ना, अब क्वेश्चन यही बनेंगे जो मैंने बताया, इसी तरह से आपको ये आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ ये, इससे मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, क्योंकि चॉम्स्की की बहुत छोटी सी थ्योरी है, बहुत छोटा सिद्धांत है, ठीक है ना। फिर मैं आपको प्याजे पढ़ाऊंगा दो वीडियो में, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कि यहाँ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। थ्योरी हमें पढ़नी नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारे जो प्रश्न आए, यानी क्वेश्चन आए हमारे सीटेट या टेट या सुपर टेट में, वो हमारे सही हो, ठीक है ना। वो घुमा के पूछते हैं, वो चीज हमें देखनी है कि सार्वभौमिक व्याकरण किसने दी, सार्वभौमिक व्याकरण किसने दी, चॉम्स्की, तुरंत याद आया। जनरेटिव ग्रामर किसने दी, चॉम्स्की ने। ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सल किसने दी, चॉम्स्की ने। ऐसे करके हमें याद होंगे टिप्स पे, एक आध बार देखेंगे याद हो जाएगा। लेड का काफी बार पूछा गया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है ना। बच्चा नकल करके सीखता है, ये भी इन्होंने ही कहा था चॉम्स्की ने। और बच्चा जब शुरुआत में जो जो भाषा पे यानी कमांड सी करने लगता है, वो 6 साल के बाद करने लगता है, ठीक है ना। और सबसे पहले स्वर सीखता है बालक बच्चा, उसके बाद व्यंजन सीखता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले छात्र क्या सीखता है, स्वर, फिर व्यंजन, ठीक है ना, जैसे कि आ, ई,
ये सारी चीजें सीखता है पहले। पहले छात्र स्वर सीखता है, उसके बाद में व्यंजन। देखो कितनी अच्छी चीज मिल गई हमें, ठीक है ना? ये चीज समझ में आई ना? जो सबसे पहले जब बालक रोता है तो रोने का पहला माध्यम माना गया है, जो आवाज निकालता है वो रिदम, वो रोना होता है। तो ये चीज हमारे चॉम्स्की ने बस भाषा पे बात करी है कि भाषा जन्मजात होती है, लैड होता है, ठीक है ना? अपने कहने, अपने संदेशों को व्यक्त करने की बहुत अच्छी चीज है भाषा, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज बड़ा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। फिर मैं खत्म करता हूँ अपनी क्लास को, कि शब्दों के सीमित सेट को लेक्सिकॉन कहते हैं। सीमित सेट को लेक्सिकॉन कहते हैं। लेक्सिकॉन शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया है? तो लेक्सिकॉन शब्द चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक जी ने यूज किया है, प्रयोग किया है। तो ये मेरा सिद्धांत आज दूसरी वीडियो में कंप्लीट हुआ। वाइगोट्स्की का पहले हो चुका है, चॉम्स्की का हो चुका है। मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिद्धांत करा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इस बार कोई क्वेश्चन सीटेट में आएगा। तो हम अपने इस वीडियो का, अपने इस सिद्धांत का समझा के अब अंत करते हैं इसका। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ब्रूनर या बंडूरा में से एक सिद्धांत कराऊंगा। तो अगर मेरा ये आपको पढ़ाने का तरीका या नोम चॉम्स्की जी जो मैंने सिद्धांत पढ़ाया है समझ में आया, तो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और मेरे जो प्यारा सा यूट्यूब का नाम है सरकारी सन इन लॉ, इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, जिससे सीटेट में वो पास हो जाएं। क्योंकि मैं खुद दे रहा हूं इस बार भी सीटेट, अगर मैं पास होता हूं तो आप भी पास होंगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना? ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। एनी क्वेरी आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में, किसी भी स्टेट के से लेकर, ठीक है? तो अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।